गए अजमेर के रेलवे स्टेशन से बाहर और हम आपको दिखाते हैं यहाँ का क्या नज़ारा है। और इधर पार्किंग एरिया ही है, यहाँ पर इतनी बाइक पार्किंग हो रही है, यहाँ पर आप आए तो पार्किंग यहाँ कर सकते हो, पार्किंग की सुविधा भी है। और हम आए हैं रनवे से, तो आपको दिखाते हैं बाहर का क्या नज़ारा है यहाँ पर। और ये अजमेर का रेलवे स्टेशन और ये बाहर आए बना हुआ है। नहीं नहीं तो भाई नहीं जाना है। और यहाँ से बहुत ही शानदार नजारा आ रहा है। अरे होटल नहीं जाना अंकल। और ये ऑटो स्टैंड है, आपको यहाँ बिना पूछे ऑटो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तिरंगा है, देख सकते हैं यहाँ का क्या नज़ारा है। ऑटो आपको बिना पूछे मिल जाएंगे, यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो की इतनी सवारी और मेरे पीछे रेलवे स्टेशन, और यहाँ का बहुत शानदार नज़ारा है। और ये तिरंगा है, थक गया। और मैं और ये अजमेर का रेलवे स्टेशन, हाईवे है यहाँ से। और आपको नाश्ता करना हो तो सामने होटल भी है, हम भी ट्राई मारते हैं वहाँ पर। और यहाँ से पूरा जंक्शन मिलता है, ख्वाजा साहब का है, मैं तो ख्वाजा साहब के नाम से फेमस हो रहे हैं। उधर मिलेंगे शायद, उधर चलते हैं। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट ढूंढने, क्या मिलेगा खाने को लिए। और आप यहाँ पर ट्रैफिक का भी विशेष कर ध्यान रखें। और हमने यहाँ पर बाईपास क्रॉस कर लिया है, तो हम जा रहे हैं इधर देखने। और इधर बहुत सारी होटलें भी है खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। आप अगर रेलवे स्टेशन आते हो तो इधर भी एक बार ट्राई मारो। और एक फूड मार्केट है इधर मेरे पीछे, और हम पूछते हैं यहाँ पर क्या प्राइस है। ये मेरे पीछे बहुत सारे ढाबे हैं। ₹8 की रोटी है, 8 रुपये का 3 रुपये है। नहीं, सिंगल रोटी कितने की लगाई? 8 रुपये की एक रोटी। दो प्लेट लगवानी ना, एक प्लेट लगवा दो। हाँ रखे सब्जी किसकी लगाएगा? तीन ही सब्जी लगाएगा उसमें, सब्जी जो उनके हिसाब से लगाएंगे। और ये मेन्यू कार्ड है यहाँ पर, वेज ही है नॉन वेज तो बना ना, वेज ही है, वेज ही भी है, वेज पक्का, नॉन वेज तो बना ना, नॉन वेज नहीं है यहाँ पे, देख लेते हैं। दोस्तों हम फाइनली अभी खाना खाने के लिए आए हैं। आपको बताते हैं यहाँ का खाना टेस्ट करके कैसा लगता है, तो आप भी यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। सुबह में 8 रोटी और 3 तरह की सब्जी आई है। अगर आप चावल लेते हो यहाँ पर तो 3 रोटी कम हो जाएगी आपकी। और मार्केट है यहाँ पर, और एक घंटाघर है, देख ले घंटाघर। घंटाघर है अजमेर का घंटाघर।
करता तो मुश्किल मिलना भाई, वो है दूर है तंबा को यहाँ तो कुबेर विराज। दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ शब्द लिखे हुए हैं स्टेशन को स्वच्छ बनाने के लिए, और हर सीढ़ी पे एक शब्द अलग सा मिलेगा आपको। और ये रेलवे स्टेशन है, इधर था पार्किंग एरिया, देख सकते हैं हर शब्द अलग अलग मिलेंगे यहाँ पर। हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समा धीरे धीरे थालमा, अब तो होना है रही जब आए जाना। हम तो हो गए समा धीरे। हम उल्टा फंस गए, देख लो ये सीढ़ी ऊपर उल्टी चल रही थी, लिफ्ट लिफ्ट पे जा रहा था ये। हम पहुंच गए भाई लोगों आज अजमेर, हमारे बड़ी ख्वाहिश थी अजमेर घूमने की, इसलिए हम अजमेर आए हैं आज घूमने के लिए। ये देखो यहाँ पर क्या शानदार नज़ारा है, आप लोग भी देख सकते हो। ये हमारा फन कौन है भाई, यूट्यूबर आप तो जानते हो इसको अच्छी तरह। दिखाते हैं आपको स्टेशन पे कितनी भीड़ है आज। दो नंबर पे आगे चल। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब हमारी गाड़ी आने वाली है, हम गाड़ी पकड़ेंगे जिसके जनरल डिब्बे का बुरा हाल। चलते हुए ट्रेन में चढ़ते हुए मुसाफिर, आप ऐसी गलती ना करें।